हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कुछ पाइथन के कॉन्सेप्ट्स की, जो कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा यूज होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको पाइथन नहीं आती तो इस वीडियो को देखने के बाद फ्रेंड्स आपको पाइथन बहुत अच्छे से आ जाएगी। और अगर कोई सी लैंग्वेज अगर आपकी आती है तो आप इस वीडियो से जरिए आप पाइथन और भी ज्यादा जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा इस वीडियो को, ठीक है। इसके 2-3 पार्ट हो सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि और अगर अभी तक आपने कोई भी इंटरव्यू अगर आपका है किसी भी कंपनी का, जैसे LTI, Capgemini, TCS, अगर उन सबकी वीडियो नहीं देखी तो आपने लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उन सारी वो सारी वीडियो आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें मस्त क्वेश्चन बताएं सारे मैंने TR और HR दोनों के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं पाइथन का, क्योंकि हो सकता है आपको पाइथन नहीं आती और हो सकता है आती भी हो तो तब भी आप थोड़ा सा आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। हम बात करने वाले हैं पाइथन 3 की, ठीक है। पाइथन 2 अब ज्यादा यूज होती नहीं, होती है यूज बट इतनी यूज नहीं होती जितनी पाइथन 3 यूज होती है, इसलिए हम पाइथन 3 पे वर्क करने वाले हैं, ठीक है, और पाइथन 2 की हम बात नहीं करने वाले। तो देखिए फ्रेंड, जो पाइथन होती है, ठीक है, हम ज्यादा कुछ बेसिक नहीं बताएं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे जो जो हमारे काम की चीजें हैं। देखिए प्रिंट जो होता है फ्रेंड्स, पाइथन में हम कुछ भी चीज प्रिंट कार्य से करवाते हैं नॉर्मल प्रिंट और पैरेंथेसिस लिख के, इसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम कोई सा भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करवा तो फ्रेंड आपको ये स्ट्रिंग देना पड़ेगा, तो स्ट्रिंग कुछ भी आप दे दीजिए, देखिए प्रिंट होगा। चलिए हम इसको एक बार रन करके देख लेते, देखिए तो ये आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपको स्ट्रिंग की बात। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू देनी है तो न्यूमेरिक वैल्यू में आप नॉर्मली आप कोई वेरिएबल का नाम दे दीजिए, ठीक है, या फिर आप कोई भी सिंपली आप न्यूमेरिकल वैल्यू दे दीजिए तब भी आपकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इफ एल्स की, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर पे हम नहीं जाएंगे, ऑपरेटर आपको आना चाहिए, ठीक है। ऑपरेटर सिंपल प्लस माइनस बिटवाइज असाइनमेंट जो भी देते हैं। अब हम बात करते हैं इफ एल्स की। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने C++ पर जावा कुछ पढ़ी तो उसमें क्या होता है, एक इफ होता है, ठीक है, फिर इफ के बाद एक एल्स होता है, और एक इफ और एल्स के बीच में एक एल्स इफ होता है, ठीक है, एल्स इफ होता है, ठीक है। तो बट अब पाइथन में क्या होता है फ्रेंड, पाइथन में इफ तो होता ही है, ठीक है, और एल्स इफ की जगह क्या होता है, एलिफ होता है, ठीक है, एल्स इफ की जगह एलिफ होता है। और जैसे कि हम C++ में क्या करते थे, पाइथन सॉरी C++ में हम करते थे, ऐसे कोई कंडीशन लिखते थे, यहाँ पे हम लिखते थे कंडीशन, यहाँ पे नॉर्मली कंडीशन लिख, थोड़ी सी स्पेलिंग पे आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, यहाँ कंडीशन लिखते थे और हम क्या करते थे फिर नीचे कर्ली ब्रैकेट बनाते थे फ्रेंड। बट पाइथन में क्या होता है, पाइथन में कर्ली ब्रैकेट काम नहीं करता है, पाइथन में कर्ली ब्रैकेट की जगह हम क्या करते हैं, कोलन यूज करते हैं, ठीक है। कोलन यूज करने से आपके पास ये देखिए ऑटोमेटिकली ये 4 स्पेस आ जाएंगे, 4 स्पेस के बाद ये अपने आप एंटर, जैसे हम एंटर दबाएंगे तो 4 स्पेस और जो भी आपके बाय डिफॉल्ट स्पेस रहेगा पाइथन एडिटर पे IDE पे तो वो अपने आप आ जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है। वैसे हम एल्स इफ में भी करते हैं, जितने भी कुछ एग्जीक्यूट कुछ भी हम लिखते हैं, जो हम C++ जावा में जब हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते थे तो पाइथन में क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट मतलब होता है इक्वल टू ये कोलन, ठीक है। अगर हमें कर्ली ब्रैकेट लगाना है तो हम क्या लगाएंगे, कोलन लगाएंगे इसमें, ठीक है। और आप ध्यान रखिए जैसे हम C++ में क्या करते थे, पाइथन ये सॉरी इफ को लगा के हम कर देते कंडीशन लिखते थे, ठीक है। कंडीशन के बाद हम क्या करते थे, थोड़ा सा डायरेक्ट सी आउट या सी इन कर देते थे, जैसे ये हमने कर दिया सी आउट, ये कुछ भी हमने सी आउट कर दिया। बट फ्रेंड इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आपको एटलीस्ट कम से कम आपको कोलन तो आपको लगानी पड़ेगा, भले आप एक लाइन का स्टेटमेंट लिखें चाहे कितने एन नंबर ऑफ लाइन का स्टेटमेंट लिखें, ठीक है। तो चलिए इफ की बात हो गई, हम बात करते हैं फॉर लूप की, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर लूप की। तो देखिए फॉर लूप का बेसिकली सिंटेक्स क्या होता है, आपको फॉर लूप अगर लगाना है तो फॉर लूप के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर, ठीक है। अब आपको चेक करना है, अब देखिए नॉर्मल अगर आप फॉर लूप लगाए 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने वाली वैल्यू कुछ, तो चलिए एक एग्जाम्पल से थ्रू समझते हैं। लेट सपोज आपको 1 से लेकर 10 तक आपको कोई वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है। तो अपन फॉर लूप इसमें कैसे लगाते हैं, फॉर लूप लिखते हैं इसमें, ठीक है, फिर लिखते हैं अपन आई, आई कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं, वेरिएबल का नाम, ठीक है, इन रेंज, ठीक है, रेंज लिखा, और रेंज के अंदर आपको कोई भी रेंज देना पड़ती है कि जैसे अपन फॉर लूप में देते थे ना आई इज ग्रेटर देन 10, आई इज कुछ भी समथिंग, तो इस टाइप से आपको देने पड़ेगी। लेट सपोज हमको कहां थे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना, तो मैंने 10 दे दिया, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया ये। अब देखिए फ्रेंड इसमें हमें प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि बाय डिफॉल्ट अपने आप प्लस प्लस होता है, ये अपन को पता, अगर अपने पाइथन पढ़ी है नहीं भी पढ़ी तो आपको पता चल गया। तो इसमें हमें 1 देने की जरूरत नहीं होती, अगर आप चाहें तो सिंपली 1 दे सकते हैं बट हम 1 नहीं देंगे, ठीक है। पहले हम इसको एच चला के देखें और नॉर्मल हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे आई की वैल्यू, ठीक है, प्रिंट कर दी हमने ये आई की वैल्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होता है, ये देखिए फ्रेंड, ये एक सेकेंड, ये थोड़ा सा कट रहा है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए देखिए 1 से लेकर 9 तक प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि फ्रेंड ये देखिए इसमें क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन चलता है, इक्वल टू नहीं चलता, तो आपको यहाँ पे क्या 11 देना पड़ेगा तब आपको 1 से लेकर 10 प्रिंट होगा, प्लस 1 की वैल्यू आपको देना पड़ेगी, ठीक है। इसको मैं
ये देखिए, ठीक है, 1 से लेकर 10 के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, 1 से 11 तक की आपको कंडीशन लगाना पड़ेगी। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर आपको 11, 10 से लेकर, अगर आपको 10 से करवाना है 0 तक 1 तक प्रिंट, तो आपको इस टाइप से प्रिंट करवाना पड़ेगा, कोमा आपको -1 देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम इसको रन करते हैं। मैं थोड़ा इसका साइज छोटा कर लेता हूँ क्योंकि हमारी स्क्रीन पे शो नहीं होगा। चलिए हम इस कोड को रन करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास आउटपुट। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 10, 9, 8 से लेकर 1 तक। ठीक है, यही हमें आउटपुट लाना था। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना अपना हो गया। अब आपको फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इतना अपन हो चुका। अब अपन को 2 का टेबल प्रिंट करवाना है, तो फ्रेंड 2 का टेबल प्रिंट करवाने के लिए आप सिंपली क्या करिए, यहाँ पे आप क्या करिए, नॉर्मली आप लूप कहाँ से वो कहाँ से चलाइए, आप लूप 1 से लेकर चलाइए कहाँ तक, 10 तक, जबकि हम कहाँ तक लिखेंगे 11 के लिए। ठीक है, क्योंकि जब भी वो लूप 10 तक चलेगा। ठीक है, अब मैंने क्या करवाया, प्रिंट प्रिंट क्या करवा दी फ्रेंड्स, वैल्यू मैंने आई की वैल्यू। ठीक है, अब आई की वैल्यू प्रिंट करवाने पर देखिए, अगर आप चाहें तो Multiply 2 करवा सकते हैं। ठीक है, आई Multiply 2 करवा सकते हैं, तब भी आपके आउटपुट वही आएगा। चलिए देखते हैं, ये देखिए 2 का टेबल प्रिंट हो गया है ना। ठीक है, ये देखिए 2 का टेबल प्रिंट हो चुका आएगा। ये थोड़ा सा इसको, ठीक है, अब देखिए, हेलो, अब देखिए एक तो मेथड ये हो गई आपकी। ठीक है, इसको हम रन करके देख लेते हैं एक बार और। ये देखिए, ठीक है, ये 2 से लेकर 20 प्रिंट, एक मेथड आपकी हो गई। आप या तो Multiply 2 ना करके आप क्या करिए, यहाँ पे नॉर्मली कहाँ से चलाइए लूप, कहाँ से चलाइए 2 से लेकर चलाइए। ठीक है, कहाँ तक लूप चलाइए, 21 तक चलाइए समथिंग। ठीक है, और कोमा कर दीजिए 2, तो ये 2 देने से क्या हो गई फ्रेंड्स, ये जो हमने 2 दिया है तो इसका मतलब क्या है, ++2 कर दो। ठीक है, और हमने रन किया, ये देखिए 2 से लेकर 20 तक आपकी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, और हम चाहें तो लेट सपोज 3 का करना, तो हमने यहाँ 3 दिया और यहाँ पे हमने कितना दिया, 31। ठीक है, 31 दिया और हमने इसको रन किया, तो देखिए 3 का टेबल प्रिंट हो गया। सॉरी, ये 2 से स्टार्ट हुआ लेकिन यहाँ से स्टार्ट कितना करना था, 3 से। ठीक है, ये देखिए 3 का टेबल प्रिंट हो गया। अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम 30 दे देते, लेट सपोज अगर हम यहाँ पे 30 दे देते, तो देखिए क्या आता, आपका पूरा टेबल नहीं आता। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि ये 1+ वैल्यू हमें देना ही पड़ती है। ठीक है, तो आई होप आपको फॉर लूप भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाइल लूप भी सेम सिमिलरली चलता है। ठीक है फ्रेंड, व्हाइल लूप भी फ्रेंड इसी टाइप से चलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंडीशन देना पड़ती है। ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलन लगा के जो भी आपको लिखना है इस टाइम पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अपने आप इस पर आ गया सारी लाइन के बाद, तो ये होता है व्हाइल लूप। ठीक है, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रिंग की। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं किस चीज की, स्ट्रिंग की। ठीक है, अब हम स्ट्रिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेट सपोज मैंने ए इक्वल टू स्ट्रिंग ली है। ठीक है, स्ट्रिंग में लेट सपोज मैंने अपने चैनल का नाम ले लिया। ठीक है, लर्न विद प्रियांश, मैंने ले लिया है चैनल का नाम। ठीक है, एक कोई स्ट्रिंग है कि, ठीक है, स्ट्रिंग को आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लेट सपोज सबसे पहले अपन प्रिंट करवा लेते हैं इस स्ट्रिंग को। ठीक है, प्रिंट मैंने स्ट्रिंग करवा ली। ठीक है, ये देखिए स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, लर्न विद प्रियांशु। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है ये किस में चेंज हो जाए, एरे में, एरे या लिस्ट में, दोनों एक ही बात होती है। पाइथन में होता अलग है बट हम एज्यूम करते दोनों सेम है। अब हमें क्या करवाना पड़े, लेट सपोज एक बी इक्वल टू वेरिएबल ले लीजिए और आप सिंपली लिस्ट लिखिए और ए लिख दीजिए इस टाइप से। ठीक है, पेरेंथेसिस के अंदर ए लिख दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, बी जो है लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने ए और बी दोनों को प्रिंट करवा के देख लेता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है। ये देखिए पहले जो था लर्न विद प्रियांशु जो था फ्रेंड्स, ये देखिए ये क्या हो गया, प्रिंट 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 की, तो ये ए में वैल्यू क्या थी, स्ट्रिंग थी, और बाकी ये सब क्या है, लिस्ट। तो ये लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, अब लेट सपोज आपको कोई नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब कोई स्ट्रिंग में आपको नंबर है। ठीक है, ए इक्वल टू कोई स्ट्रिंग में आपके पास लेट सपोज 1, 2, 3 कोई नंबर है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 छोटा नंबर ले लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। अब हमको स्ट्रिंग को फिर काय में कन्वर्ट करना है, अब हमें करना है इसको इंटीजर टाइप में। लिस्ट में आपने देख लिया, अब हम इंटीजर में कन्वर्ट करने वाले, तो बी इक्वल टू आपको सिंपल इंटे लिख के आपको ए लिखना पड़ेगा और आपको सिंपल यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप प्रिंट प्रिंट आपका कर दीजिए यहाँ पे बी। ठीक है, प्रिंट कर दीजिए यहाँ पे बी, और अगर आप चाहें तो इसका टाइप, मतलब ये बी इंट हुआ या नहीं हुआ, तो आप क्या लगा सकते हैं इसमें टाइप। हमारे पास जो साइज ऑफ होता था उससे हम पता कर लेते थे कितना साइज है, उस टाइप से इसमें क्या होता है टाइप। टाइप में मैंने दे दिया बी और मैंने अब इसको रन कराया, तो देखिए रन में होने पे मेरे पास आ गया 1, 2, 3 जो कि इंट वैल्यू है और क्लास टाइप का ये वेरिएबल है। अब लेट सपोज आप चाहते हैं कि फॉर लूप लगाना चाहते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग दी है आपके पास कोई एक, क्या होता है, हम कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम में क्या होता है, कभी कभी हमें कोई स्ट्रिंग दी रहती है कि आपको इनपुट में स्ट्रिंग देना रहता है, बट हमें उसको क्या करवाना है,
एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आपको दिया एक प्रोग्राम कि मैं आपको एक एंड टेस्ट केस दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि मैं आपको फर्स्ट लाइन में आपको दूंगा मैं टेस्ट केस, ठीक है, टेस्ट केस दूंगा मैं फर्स्ट लाइन में, ठीक है, और जो सेकंड लाइन होगी, सेकंड लाइन में मैं आपको एक स्ट्रिंग दूंगा, ठीक है, स्ट्रिंग दूंगा, और स्ट्रिंग के सारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने स्ट्रिंग दी 1 2, ठीक है, ये मैंने स्ट्रिंग दी 1 2, और आपको क्या करना है, आपको आउटपुट क्या करना है, आपको आउटपुट आना चाहिए आपका कितना आना चाहिए, 1 से लेकर आपका आउटपुट आना चाहिए कहाँ तक, 10 12 तक, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोग्राम है छोटा सा, तो आपको इस प्रोग्राम को आप कैसे बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि हम कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम की ओर अब बढ़ रहे हैं चल रहे हैं, तो आप सारे प्रोग्राम कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम के लिए ही देखेंगे, ठीक है। तो हमने पूरा बेसिक कवर कर लिया है आई थिंक, है ना, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखिए प्रोग्राम पे वापस आते हैं, प्रोग्राम क्या था हमारे पास, एक टेस्ट केस देंगे हम फर्स्ट लाइन में, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान सुनिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, फर्स्ट लाइन में टेस्ट केस दिया, और सेकंड लाइन में जो हमने दिया, सेकंड लाइन में क्या दिया, कोई भी एक वेरिएबल दिया है, जैसे मैंने लेट सपोज 2 दिया है, मतलब सॉरी सेकंड लाइन में 12 दिया है, तो मतलब मेरे को 1 से लेकर 12 तक आपको प्रिंट करना है, बट कंडीशन ये कि फ्रेंड हमें स्ट्रिंग दी है, हमें इंट वैल्यू नहीं दे रहा है, वो हमें स्ट्रिंग ही दे रहा है, तो हम सिंपल कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। हम टेस्ट केस के लिए टेस्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे और इसमें इंट इनपुट करवा लेंगे, इनपुट कैसे करवाते हैं, इसमें हम इसमें इनपुट करवाते ही ऐसे, ठीक है, अगर मैं नॉर्मली इनपुट अगले लिखता हूँ तो ये क्या होगा, इनपुट लेगा किसी स्ट्रिंग को इनपुट, और फिर मैंने क्या करे टाइप कास्टिंग कर दी, ठीक है, इंट से मैंने क्या कर दिया उसको टाइप कास्टिंग कर दी, ठीक है, तो टेस्ट में क्या आ गया इनपुट, ठीक है। अब मैंने फॉर लूप लगाया टेस्ट केस के लिए, ठीक है, टेस्ट केस के लिए लगाया फॉर आई इन रेंज, ठीक है, रेंज में क्या दिया मैंने टेस्ट, इसमें आपको +1 देने की जरूरत नहीं है, और आप 0 से टेस्ट भी नहीं दे तब भी वो एग्जीक्यूट कहां से करेगा, 0 से लेकर एन तक जो भी टेस्ट के जवाब वैल्यू देंगे, ठीक है, ये 2 इन लिख दें, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं टेस्ट केस हो गया, अब वो क्या देगा, एक इनपुट देगा स्ट्रिंग में, तो आप एक इक्वल टू एक इनपुट दे दो क्योंकि स्ट्रिंग दे रहेगा, ठीक है, ये एक इनपुट दे दिया, ठीक है। अब इनपुट देने के बाद हमने क्या करा, इसको टाइप कास्टिंग कर दी इंट में, ठीक है, इंट ए कर दिया, ए में क्या आ गया इंट, अब मैंने एक फॉर लूप और लगा लिया सिंपली, ठीक है, फॉर आई यूज करते तो आपको जे लेना पड़ेगा, कहां तक देना आपको, ए तक रेंज देना है, ठीक है, और आपने क्या कर दी है, आपको कहां से 1 से प्रिंट करवाना है, ठीक है, 1 से प्रिंट हो जाएगा, जो भी एक ही वैल्यू दे आपको a+1 करवाना है, जैसे इसने 12 दी तो आपको 12 तक प्रिंट करवाने के लिए +1 लिखना पड़ेगा, सिंपली मैंने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया, क्या जे प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं हमारा कोड सही बना है नहीं बना। देखिए मैंने सबसे पहले क्या दिया है, एक कोई टेस्ट केस दिया, लेट सपोज 2 टेस्ट केस दिए, और मैंने दिया सबसे पहले 12, ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड कैसा आउटपुट आ रहा है, 1 से लेकर 12 तो आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये चौड़ाई में आए, ये जो आ रहा है वर्टिकली आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं इसको हॉरिजॉन्टल में लाना, तो हॉरिजॉन्टली आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिंपली जो प्रिंट लिखा है ना, प्रिंट के बाद आपको लिखना पड़ेगा एंड इक्वल टू स्ट्रिंग, एक खाली स्ट्रिंग आपको देना पड़ेगी एंड इक्वल टू में, ठीक है। अब हम इसको रन कर देखते हैं एक बार, अब देखिए हमने क्या दिया, 2 टेस्ट केस दिए और हमने 12 दिया, और देखिए फ्रेंड अब हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, लगातार नंबर आ रहा है, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा स्पेस आए, ठीक है, तो स्पेस के लिए आप सिंपली यहाँ पे स्ट्रिंग में एक स्पेस दे दीजिए, और अब रन करके देखते तो अब हमारा जैसा हम आउटपुट चाहते हैं वैसा आउटपुट आ जाएगा, देखिए, ठीक है, इसी टाइप का हम आउटपुट चाहते हैं, लेट सपोज देखिए अब आपने एंटर कर दिया तो एरर आ गई, ठीक है, एरर क्यों आ गई चलिए देखते हैं, और रन करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपने कितने दिए, 2 टेस्ट केस दिए, ठीक है, एक में दिया आपने 12, ठीक है, अब आपने क्या दिया 15, क्योंकि देखिए ये ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी नेक्स्ट लाइन आना चाहिए ना, नेक्स्ट लाइन में हम ये दें, तो देखिए हो ये रहा है इसके अंदर, जब आपने फर्स्ट फॉर लूप एग्जीक्यूट करा, ये देखिए टेस्ट केस वाला फॉर लूप है, ठीक है, जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो देखिए कर्सर जब लास्ट वाली पोजीशन पे चला, लास्ट वाली वैल्यू कितनी थी 12, लेट सपोज 12 पे जब चला, तो जब 12 यहाँ पे प्रिंट हुई, थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ बताता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे 12 प्रिंट हुआ तो फ्रेंड उसने कह दिया स्पेस पे, अब यहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों यहीं आएगा, जो कर्सर ब्लिंक हो रहा है इनपुट आउटपुट आपका वहीं आएगा, इसीलिए ये देखिए इसलिए हमने 15 यहाँ पे दिया, क्यों दिया, क्योंकि देखिए 12 के बाद हमने एंड एंड लगाया आएगा, ठीक है, एंड स्ट्रिंग लगाया आएगा, तो उसके बाद क्या होगा कर्सर यहाँ आएगा, ठीक है, अब कर्सर ने यही वो इनपुट मांग रहेगा, ठीक है, तो इस टाइप से ही होता है। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ये प्रोग्राम हमारा डन हो चुका है, कैसा डन हो गया ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, कुछ प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग के लिए देखिए लेट सपोज आपका देखिए स्ट्रिंग है, अब आपको करना है कोई भी गिवन स्ट्रिंग है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी को स्ट्रिंग, अब आपको करना है इसको रिवर्स करना है, ठीक है। अब रिवर्स आप कितनी बहुत सारी मेथड से करते हैं, या तो आपके लिए इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए फिर रिवर्स कर दिए, बट एक स्लाइसिंग नाम की कुछ एक मेथड होती है, आप देखिए बी इक्वल टू स्लाइसिंग नाम की मेथड होती है, उसमें क्या होता है हम नॉर्मली एक -1 देते हैं, तो इससे हमारी क्या होता है लिस्ट जो है, ये जो हमारे पास सॉरी लिस्ट या स्ट्रिंग, बट हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, देखिए स्ट्रिंग जो है रिवर्स हो जाती है, इससे मैं लेट सपोज उसको पहले प्रिंट करवाते हैं फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ किस टाइप से वर्क करती है। देखिए
तो ये देखिए डी सी बी ए ही हमारी स्ट्रिंग रिवर्स हो चुकी है। अब देखिए वर्क कैसे करती है लेट सपोज, यहाँ पे तो मैंने -1 दे दिया ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेट सपोज कुछ ना देता, कुछ नहीं देता तब तो भी आपकी स्ट्रिंग जो थी वही रहती। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देते हैं, यहाँ पे हम देते हैं पॉजिटिव स्टार्टिंग इंडेक्स, यहाँ क्या देते हैं स्टार्टिंग वैल्यू इंडेक्स की, जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स है ठीक है। और आगे हम क्या देते हैं जो सेंटर है, सेंटर में क्या देते हैं जो हमारा एंडिंग इंडेक्स है, लेट सपोज हम कौन सी सेकेंड इंडेक्स तक वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या क्या है, 0 इंडेक्स पे ए ठीक है, 1 इंडेक्स पे बी, सेकेंड इंडेक्स पे सी एंड थर्ड इंडेक्स पे डी ठीक है। तो हमने प्रिंट कितना करवाया, हमें क्या प्रिंट करवाना ए और बी, हमें प्रिंट करवाना है ठीक है। तो कैसे प्रिंट करवाएंगे, 0 से लेकर 0 इंडेक्स से और बी कितने 1 इंडेक्स पे, तो लेकिन हमें एक थोड़ा सा आगे बढ़ के लेना पड़ेगा। तो देखिए हम इसको रन करवाते हैं, देखिए हमारा ए एंड बी प्रिंट होना चाहिए, देखिए ए एंड बी प्रिंट हो चुका है। तो इस टाइप से इसको क्या बोलते हैं स्लाइसिंग ठीक है। अब हम बात करते थोड़ा सा, और लेट सपोज आपके पास एक ए नाम की एक कोई स्ट्रिंग है ठीक है, ए नाम की एक कोई स्ट्रिंग है विद स्पेस सेपरेटेड ठीक है, क्योंकि स्पेस सेपरेटेड है बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कभी कभी पाइथन में कुछ स्टूडेंट्स को, लेकिन अब हम उसको क्लियर कर देते। देखिए लेट सपोज ये कोई स्ट्रिंग है, अब मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स ये जो 3 स्प्लिट है ये मैंने इनपुट दिया है, कोई एक स्ट्रिंग है उसको मैंने ये इनपुट दिया है ठीक है। देखिए तो देखिए ये मैंने स्ट्रिंग दी है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है इनपुट स्पेस सेपरेटेड इनपुट हर टेस्ट केस में हमें देना पड़ता है, जब हम कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हमें हमेशा आपके पास कोई भी हर कोई सा भी आप क्वेश्चन उठा लीजिए कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का, ज्यादातर आपको क्या होगा स्पेस सेपरेटेड इंटीजर वैल्यू, स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग वैल्यू, तो इस टाइप से होती है। तो देखिए क्या होगा इसमें, स्पेस सेपरेटेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपका लिखिए बी इक्वल टू आप लिखिए ए डॉट एस पी एल आई टी, स्प्लिट का मतलब होता है फ्रेंड तोड़ना ठीक है, मैं आपको एक नॉर्मल भाषा में बताऊं तो स्प्लिट मतलब आप तोड़ना, कैसे तोड़ दो ऐसे तोड़ दो, जहां पे भी स्पेस देखिए वहां से तोड़ दो ठीक है। और मैंने क्या करवा दिया प्रिंट का करवा दिया बी, ये हमेशा क्या करता है फ्रेंड लिस्ट में रिटर्न करता है ठीक है, जो भी आपने इनपुट दिया वो लिस्ट में आउटपुट रिटर्न करता है। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं, तो थोड़ी सी एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, ओके थोड़ा सा आप शायद यहाँ पे स्पेस एस पी एल आई टी और स्पेस, तो देखिए स्प्लिट के अंदर देखिए आपको कोई भी अगर कॉमन है, देखिए स्पेस कॉमन था इसमें इस कॉमन वो सॉरी स्पेस हमको क्या करना है स्प्लिट मतलब जहां जहां स्पेस था वहां वहां तोड़ते जाओ, तो वहां वहां ये तोड़ते गया, यस वहां वहां ये तोड़ते गया, तो देखिए लर्न अलग कर दिया, विद अलग कर दिया, प्रियांशु अलग कर दिया। तो देखिए अब लेट सपोज आपको कहां से स्प्लिट करना है, स्पेस से स्प्लिट ना करके आप कहां से स्प्लिट करिए आई से ठीक है, ये आई दिया मैंने, अब यहाँ पे आई कहाँ है देखिए, अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट अब हमारे पास आएगा देखिए लर्न तो साइन रहेगा और एक स्पेस भी रहेगा और डब्ल्यू एक स्ट्रिंग रहेगी और एक स्ट्रिंग टी ए से लेकर प्रियांशु हो जाएगी। देखिए मैं इसको रन करके बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए ठीक है, स्प्लिट का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये देखिए दो प्रियांशु थे सॉरी दो आई थे, तो इसमें इसलिए इस टाइप देखिए लर्न डब्ल्यू आ गया क्योंकि एक स्ट्रिंग ये बन गई हमारी आई, अब जहां जहां आई है वो वहां से तोड़ता जाएगा ठीक है, एक ये छोड़ दिया और टी एच से लेकर पी आर आई तोड़ दिया और फिर आई आया फिर से आई आया, तो ये आई को हटा के इतना एक स्ट्रिंग में प्रिंट कर दिया। देखिए ओके देखिए लर्न डब्ल्यू टी एच पी और यांशु ठीक है, आई उसने काट दिया ठीक है। तो आई होप ये स्प्लिट का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, हमने कितने टॉपिक कवर कर लिए, स्प्लिट कवर कर लिया और स्लाइसिंग कवर कर लिया, अब थोड़ा हम रिवर्स का टॉपिक भी कवर कर चुके, अब हम बात करते हैं थोड़े थोड़े छोटे प्रोग्राम्स की ठीक है। तो प्रोग्राम की लिस्ट में आपको बता देता हूँ क्या क्या प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है, इन प्रोग्राम को डिस्कस करने के बाद थोड़ा सा और हम कुछ पढ़ने वाले हैं ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैलिंड्रोम ठीक है, पैलिंड्रोम क्या होता है, नॉर्मली कोई भी आपको गिवन स्ट्रिंग है, गिवन स्ट्रिंग क्या होगा आपका आगे से वो पीछे से एक जैसा पढ़े तो इस टाइप से होता है ठीक है। तो देखिए मैंने अभी हाल आपको एक क्या क्या स्लाइसिंग का एक टॉपिक बताया किस टाइप से, देखिए इफ आपने लगाया नॉर्मली बहुत ही छोटा 2 लाइन का कोड है फ्रेंड्स इसका पैलिंड्रोम का पाइथन में, तो देखिए कैसा हो ए इक्वल टू लिखिए आप ए इक्वल टू इसमें भी इक्वल टू वही रहता है ठीक है, मैंने क्या बोला स्लाइसिंग लगा दीजिए आप -1 ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए यस प्रिंट किया जाए यस ठीक है। और अब देखिए एल्स जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप भली एक लाइन लिखिए इफ के बाद एल्स के बाद ये पूरा बहुत सारी लाइन लिखे तब भी आपको कॉलन लगाना ही पड़ेगा, बट हम सी प्लस पर जावा में क्या करते थे, अगर हमें एक लाइन लिखना है तो हम कर्ली ब्रैकेट लगाए ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता था ठीक है। हमने प्रिंट लिखा और हमने सिंपली नो लिख दिया ठीक है, अब मैंने इसको रन किया, अब मैंने इसको रन किया तो देखिए आउटपुट नो आ रहा है, करेक्ट आउटपुट आ रहा है क्योंकि लर्न विद प्यांच पैलिंड्रोम नहीं है। लेट सपोज मैंने एक स्ट्रिंग ले ली ठीक है, लेट सपोज ए बी सी डी सी बी ए ठीक है, ये पैलिंड्रोम है हमें पता है, अब हम चेक करते हैं यस ये पैलिंड्रोम है ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया वो पैलिंड्रोम, हम देखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर है रिवर्स एरे का प्रोग्राम ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम बनाते हैं ठीक है।
अब मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्राम को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मीन्स थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रोग्राम ये है आपके पास कि लेट सपोज आपको फर्स्ट लाइन में टेस्ट केस दिया रहेगा, ठीक है। टेस्ट केस दिया मैंने 2, ठीक है, कार्यक्रम रिवर्स करा रहे। और फिर मैंने क्या दूंगा, इनपुट दूंगा, मैंने इनपुट दिए 1 2 3, और फिर मैंने इनपुट कितना दिया, ये आपने कोई इनपुट दिया, ठीक है, ठीक है, ये मैंने कोई इनपुट दिया हुआ है, ये मैंने कोई इनपुट दिया हुआ। फ्रेंड थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत बड़ा नंबर रहेगा, ठीक है, ये नंबर बहुत ही बड़ा है। ये क्या है, सारे ये इनपुट है, ठीक है, ये क्या है इनपुट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट सपोज इनपुट, ठीक है, ये क्या है 2, 2 मतलब टेस्ट केस, और फिर 2 नंबर, ठीक है। और अब आपका आउटपुट कितना चाहिए, आउटपुट आपका आना चाहिए कितना, 3 2 1, और जो भी बड़ा नंबर लिखा है इसका पूरा रिवर्स आना चाहिए इतने बड़े नंबर का, ठीक है। अब हम अगर सी सी प्लस प्लस की बात करें तो उसमें हम कैसे रिवर्स करेंगे फ्रेंड्स इसको, इसको या तो आप स्ट्रिंग से रिवर्स कर लीजिए, या फिर आप अगर इसके लिए अगर आप लूप लगाएंगे तो आपका हमेशा प्रोग्राम रन टाइम एरर देगा, ठीक है। रन टाइम एरर का मतलब इनफाइनाइट लूप चली जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा वैल्यू नहीं स्टोर हो पाती कभी कभी, ठीक है। तो देखिए पाइथन में हम कितने इसको इजी वे से कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं 2 मिनट में पाइथन का फटाफट। तो देखिए हमने क्या लिया, एक टेस्ट केस लिया है, मैं प्रोग्राम आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ठीक है, प्रोग्राम थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, है ना, हम प्रोग्राम भी देखेंगे और प्रोग्राम बनाएंगे भी। देखिए ये आपके पास प्रोग्राम है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टेस्ट केस, तो मैंने वही सिंपल आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टेस्ट केस के लिए आप कोई सा भी एक वेरिएबल ले लीजिए, जैसा टी इक्वल टू मैंने लिया इनपुट, इंट इनपुट लिया है, ठीक है, इनपुट दे दिया, और उसके बाद क्या किया मैंने, फिर मैंने फोर लूप लगाया, ठीक है, 4i in range, 4i in range लगाया, किसके लिए लगाया, टी के लिए लगाया मैंने, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद देखिए क्या दिया उसमें, एक एक इनपुट दिया। अब देखिए आपको तो क्या आउटपुट से मतलब है, ठीक है, जब भी हम कोई कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम की बात करते हैं तो उसमें क्या इनपुट आउटपुट से हमें मतलब होता है, हमें मतलब नहीं होता आप प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग से ले रहे हैं, काय से भी कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, पाइथन में क्या होता है, तो एन नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर भी ये ले लेता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा फैक्टोरियल का, ठीक है, इसमें हम फैक्टोरियल में हम 100 फैक्टोरियल तक का काउंट कर सकते हैं, वो करते ही है फ्रेंड्स इसमें, ठीक है। बट उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ आते हैं वापस इस प्रोग्राम पे। इस प्रोग्राम में देखिए हमने क्या करा, एक ए इक्वल टू इनपुट लिया, इनपुट मतलब एक स्ट्रिंग में लेगा मैं इसको, इनपुट एज अ स्ट्रिंग में इसको ट्रीट करूंगा, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग में इसको ट्रीट करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि फ्रेंड ये देखिए कुछ भी नंबर दे सकता है वो, एन नंबर इनफाइनाइट नंबर भी दे सकता है। देखिए जैसे कि उसने ये इतना बड़ा नंबर दे दिया है, लेट सपोज उसके बाद भी उसने कुछ नंबर लगा दिए, उसने इतना बड़ा नंबर दे दिया, तो इसके लिए हम फॉर लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने एक स्ट्रिंग के रूप में इसको ट्रीट करूंगा, फिर क्या करवा दूंगा मैं नॉर्मली प्रिंट क्या करवा दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा मैं बी की वैल्यू, और बी में मैं क्या दे दूंगा, बी इक्वल टू दूंगा मैं ए ऑफ स्लाइसिंग लगा दूंगा, ठीक है, मैं -1। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, लेट सपोज मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहीं से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये पूरे कॉपी मैंने कर लिया, और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है, हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको रन किया, एंटर किया, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी वैल्यू, ठीक है, और मैंने इसको फिर देन यहाँ पे एंटर किया। तो देखिए फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जैसा हम आउटपुट चाहते थे 3 2 1 आ गया, 1 2 3 का 3 2 1 आ गया, और जो भी इसका ये रिवर्स था, देखिए 3 4 3 4 3 3 and so on and 9 5, देखिए ये हमारा रिवर्स आ चुका है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड कितना ईजी है पाइथन में, पेरेंट ऑफ निकालना, रिवर्स निकालना कितना ईजी है, मात्र आपको 2 लाइन में हो चुका है, ठीक है, मात्र आपका क्या हो गया, 2 लाइन में हो गया है ना। यहाँ पे मैं एक बार ये ट्राई करता हूँ इसको, ये इस टाइप से चलता है कि नहीं चलता, लेट सपोज मैंने यहाँ पे वही कंट्रोल भी कर दिया और एंटर कर दी, ठीक है, तो इस टाइप से भी चल सकता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड आपने कितना इजी है ये भी, अगर मैं ये लाइन को भी काट दूँ तो देखिए फ्रेंड केवल आपको केवल एक ही केवल आप केवल एक मात्र एक ही लाइन में आप पूरा रिवर्स उसको करवा सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते और प्रोग्राम हम देख लेते हैं, अब हम बात करते हैं डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, कोई भी आपको डेसिमल नंबर वो इनपुट करेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, बाइनरी उसका कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें भी स्लाइसिंग यूज होगी फ्रेंड्स, पाइथन में स्प्लिट स्लाइसिंग और लिस्ट और स्ट्रिंग टू इंट, इंट टू स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग टू लिस्ट, लिस्ट टू स्ट्रिंग, इन सबका बहुत यूज होता है। अगर ये सब अगर आप करना सीख गए पाइथन में तो आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या प्रोग्राम बना रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी, एक लेट सपोज मैं अब थोड़ा सा इस पे शेल पे बताता हूँ आपको, ठीक है, शेल पे हम इसको शेल पे बता देता हूँ मैं आपको इसको थोड़ा सा, तो आपको ज्यादा जल्दी आप समझ पाएंगे, प्रोग्राम ना बनाते, ठीक है, थीके? तो इस समय मतलब नहीं है, मैंने इंटर कर दिया, ठीक है, ये देखिए,
तो देखिए, लेट सपोज मैंने ए इक्वल टू कोई बाइनरी नंबर, सॉरी डेसिमल नंबर ले लिया, लेट सपोज हमें पता है 10 का 1010 होता है, ठीक है, तो ए इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है, आप चाहे तो एक एक लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं शेल पे, ठीक है, ये पाइथन की खासियत होती है। तो देखिए, ए इक्वल टू हो गया, मैंने प्रिंट करवा दिया, ए को दिया मैंने ए इक्वल टू 10। अब मैंने नॉर्मली एक बिन नाम का फंक्शन होता है जो कि बाइनरी नंबर कन्वर्ट करता है, कोई भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। अब देखिए, ये हमारे पास बाइनरी आ गया, हमारे पास नंबर कितना है 1010, बट हम चाहते हैं केवल हमारे पास 1010 हो, जीरो भी ना हो। तो चलिए मैं इसका प्रोग्राम आपको बताता हूँ किस टाइप से आपको इसका प्रोग्राम बनाना है, बहुत ही ईजी है। लेट सपोज आपने ए इक्वल टू एक इनपुट ले लिया, इंट इनपुट, ठीक है, इंट इनपुट लेने के बाद आपने क्या किया, उसको बी इक्वल टू एक में बी में कन्वर्ट करवा लिया, काय को बिन लिख के, यस बी को ये करवा लिया जैसा अभी हमने करा। अब हम चाहते हैं 1010 एज अ इंटीजर प्रिंट होना चाहिए, स्ट्रिंग प्रिंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। लेट सपोज आपने एक सी वेरिएबल ले लिया, उसमें क्या, अगर आपने बी इक्वल टू, मैंने आपको स्लाइसिंग का बताया अभी, आलिए बी इक्वल टू का अगर आपने कौन से इंडेक्स से आपको चलवाना है, 0 1 2, 2 इंडेक्स आप चलवाइए, ठीक है, और फिर क्या करवा दिए, प्रिंट इंट ऑफ सी, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा कोड इसका। देखिए, मैंने लेट सपोज 10 दिया, और देखिए 1010 एज अ इंटीजर प्रिंट हो रहा है। तो कैसा हुआ ये फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रोग्राम आप समझ लीजिए 2 मिनट के लिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2 इंडेक्स है, तो देखिए 0 कितने पे, 1 इंडेक्स पे, देन बी कितने इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, देन 2 इंडेक्स पे, क्या है 1, तो मतलब हमें 0 और 1 इंडेक्स से मतलब नहीं, हमें कितना इंडेक्स से मतलब है, 2 इंडेक्स हमें मतलब है अगर हम बिन फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। तो स्ट्रिंग में था और फिर मैंने क्या करवा दिया, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। फ्रेंड देखिए कितना ईजी था, डेसिमल टू बाइनरी। अगर आप सी सी प्लस प्लस में बनाते तो आप क्या लेते, एक एरे से करवाते, या फिर आप धीरे धीरे उसको प्रिंट करवाते, फिर आप कोई परसेंटेज निकालते उसका, फिर आप परसेंटेज निकालने के बाद वैल्यू उसको, मतलब फिर आप उसको रिवर्स करते पूरा, तो वो ज्यादा लंबा हो जाता है उसका कोड, तो बहुत ज्यादा लेंदी कोड हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है। बट इसमें देखिए पाइथन में कितना ईजी है, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा और भी कम कर सकते हैं, यहाँ पे हम नॉर्मली बी लिख सकते हैं, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वाला भी आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, स्टार प्रिंटिंग बाय वन लूप। देखिए फ्रेंड्स, एक कोई ये स्टार प्रिंटिंग है, ठीक है, ये कोई एक पैटर्न है, इस पैटर्न को हम करने वाले हैं केवल एक लूप से, ठीक है, एक लूप से आप कैसे करेंगे, ठीक है, ये जितने भी प्रोग्राम बता रहे हैं फ्रेंड्स, सारे प्रोग्राम थोड़ा ध्यान से देखिए, सारे लॉजिक आप ध्यान से देखिए, इन सारे लॉजिक की हेल्प से बहुत सारे कोड बन जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम प्रिंट करने वाले हैं ये पैटर्न, कैसे प्रिंट करेंगे, देखिए इस पैटर्न का मैं कोड आपको बता देता हूँ, बहुत ही इजी कोड है। लेट सपोज आपने एक इक्वल टू वही एक सिंपली एक इक्वल टू एक इनपुट दे दिया, ठीक है, इनपुट देने के बाद आपने क्या करा, एक फॉर लूप लगाया, ठीक है, फॉर लूप कहाँ से लगाया आपने, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज कहाँ से लगाई, 0 से लेकर, हम मतलब नहीं 0 से, पर हम चलाएंगे 1 से, ठीक है, क्योंकि इसमें कितना फर्स्ट में फर्स्ट 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, तो 1 से मैंने लूप चलाया, कहाँ तक लूप चलाया, ए प्लस 1 तक लूप चलाया। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने क्या करा, प्रिंट करवा दी नॉर्मल आई की वैल्यू, ठीक है, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को समझेगा, कॉन्सेप्ट के मदद से मैं आपको समझाऊंगा कैसे होगा। देखिए आई की वैल्यू मैंने प्रिंट करवाई, लेट सपोज मैंने दिया 5। अब देखिए जैसा हम चाहते हैं वैसा स्टार प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए नंबर, देखिए आप थोड़े से नंबर में क्या, देखिए 1 है, हाँ 1 प्रिंट हो रहा है, यस 2 स्टार है, फिर यस हमारे पास 2 प्रिंट हो रहा है, फिर 3 स्टार है, 3 प्रिंट हो रहा है, 4 स्टार है, 4 प्रिंट हो रहा है, 5 स्टार है, तो 5 प्रिंट हो रहा है। बस हमें जो वैल्यू है उतने में स्टार प्रिंट करना है, तो आप सिंपल क्या कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, स्टार दे दीजिए, ठीक है, और आप क्या करवा दीजिए, मल्टीप्लाई आई, बस आपका प्रिंट हो गया। ये देखिए 5 इनपुट दिया, 5 स्टार प्रिंट हो गया आपके पास, इतना ईजी था फ्रेंड ये। तो पाइथन में देखिए एक लूप से आप इतना कुछ कर सकते हैं, जबकि हम सी सी प्लस प्लस की बात करें तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है ये करना, हो तो उसमें भी जाता है एक लूप से, बट थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इसमें देखिए कितना ईजी है, आप क्या कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग को बार बार प्रिंट करवाना है तो आप उसका मल्टीप्लाई आई कर सकते हैं। अगर लेट सपोज आपके पास कोई लिस्ट है, एक कॉन्सेप्ट को बताता हूँ, कोई आपके पास एक लिस्ट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, लेट सपोज ये एलिमेंट है, लेट सपोज 1 3 एंड 5 आपके पास क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है, और अब आपको क्या करवाना है, अब लिस्ट से हम थोड़ी सी बात कर रहे थे, लिस्ट के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल कॉपी एंड शेल पे बता देता हूँ मैं आपको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो शेल पे आप देख लीजिए थोड़ा सा, शेल में लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रिंट करा कंट्रोल वी एंड ये लिस्ट इक्वल टू, देखिए लिस्ट है, अब मेरे को लिस्ट में रिवर्स करवाना है, ए डॉट रिवर्स लिखा मैंने और फंक्शन दिया, देखिए रिवर्स हो गया, मैंने ए को प्रिंट करवा दिया, देखिए ए जो है रिवर्स हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो रिवर्स, ये जो लिस्ट आई है, अब क्या हो जाए, सॉर्ट हो जाए, एक्चुअली ये तो सॉर्ट है, अब लेट सपोज मैंने एक लिस्ट और ले ली, इक्वल टू को एक लिस्ट ली, ठीक है, अब सॉर्टिंग सर्चिंग की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स अपन, ठीक है, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, लेट सपोज मेरे पास ये है, ठीक है, कोई ये रेंडम मैंने कोई नंबर ले लिए, ठीक है, ये रेंडम कोई भी मैंने नंबर ले लिए, डबल कॉमा आ गया, ठीक है,
और मैंने एंटर किया। ये देखिए एक और लिस्ट है, अब मैं चाहता हूँ इसको, देखिए पहले से ये फिर से सॉर्ट नहीं है, ये सॉर्ट नहीं है, मैं चाहता हूँ इसको सॉर्ट करो। तो मैं नॉर्मली इसमें क्या होता है, नॉर्मली एक सॉर्ट फंक्शन लगाएं और देखिए आपकी लिस्ट जो है सॉर्ट हो जाएगी। अब आप चाहते हैं सर्चिंग, अब हम बात करते हैं सर्चिंग की, ठीक है। इसमें आपको कोई एल्गोरिथम लगाने की जरूरत नहीं होती फ्रेंड, कि आप ग्रीडी लगा, वो सॉरी ग्रीडी नहीं, सॉरी सॉरी सॉर्टिंग अगर मैं बात करूँ तो किक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये सब के लिए आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। पाइथन में आप डायरेक्ट सॉर्ट करिए, जबकि अगर आप सी सी प्लस प्लस में आपको थोड़ा सा फंक्शन बनाना पड़ता है, अगर आपको एचटीएल के बारे में नॉलेज नहीं है तो देखिए सॉर्टिंग। अब मैं सर्चिंग करता हूँ, इफ चेक करता हूँ मैं ट्रू एंड फॉल्स। अब मैं चेक करवाता हूँ ये जो ए नाम की लिस्ट है, ठीक है, ये जो ए नाम की लिस्ट है इसमें 256 नंबर को 256 प्रेजेंट है, यानी तो मैं क्या करूंगा, ए इन 256, और नॉर्मल मैं इसको एंटर कर दूंगा तो देखिए एरर आ रही है, यस एरर आना ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं इफ के अंदर देता हूँ इफ कितना 256, मैं थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था मैंने, ठीक है, तो 256 इन ए, ठीक है, तो देखिए ट्रू दे रहा है, यस 256 है। लेट सपोज मैंने कोई रेंडम नंबर दिया और इन ए लिखा, तो देखिए फॉल्स दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आप कंडीशन भी चेक करवा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, पाइथन का ये बहुत ही ईजी रहता है। सो फ्रेंड्स ये 30 मिनट्स हो चुके हैं इस वीडियो के, और मैं अब नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस लेवल के डिस्कस करने वाले, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा है, हम पूरा बेसिक से एडवांस पूरे पाइथन पढ़ने वाले हैं, पाइथन से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये पाइथन था आज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था फ्रेंड्स, तो आई होप आपके पूरे इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। एक मैं आपको और बता देता हूँ, अगर जैसे लेट सपोज आपके पास कोई एक लिस्ट है, ठीक है, आपके पास लिस्ट क्या है, लिस्ट ये है, ठीक है, सॉरी आपको मैं एक इनपुट वाली मेथड बता देता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। लेट सपोज आपने आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप क्या देंगे, एक टेस्ट केस देंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आप होमवर्क करना, मैं इसका थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा, ठीक है, होमवर्क ये है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ होमवर्क, ठीक है, आपका क्या है, एच डब्ल्यू, बचपन में बहुत किया है। तो देखिए फ्रेंड आपका होमवर्क ये, अगर आपको आज की वीडियो का कुछ समझ में आया होगा तो आप देखिए क्या करिए, आपके पास एक टास्क ये है कि कोई भी आप सबसे पहले फर्स्ट लाइन में आपको क्या देना है, टेस्ट केस देना है, लेट्स सपोज मैं टू टेस्ट केस दिए, ठीक है, उसके बाद आपको देना है कोई एरे, एरे देना है, स्पेस सेपरेटेड वैल्यू देनी है, लेट्स सपोज मैं स्पेस सेपरेटेड वैल्यू ये दिएगी, ठीक है, मैं छोटी वैल्यू दे देता हूँ, ये स्पेस सेपरेट वैल्यू देनी है। आपको ये पता नहीं है कि ये कितनी वैल्यू है, मैं पाइथन की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको पता नहीं है कितनी वैल्यू, वो कुछ भी एन नंबर ऑफ वैल्यू देता है। लेट सपोज फर्स्ट टेस्ट केस में उसने 5 वैल्यू दी और सेकंड टेस्ट केस में वो दे देगा एन नंबर ऑफ वैल्यू, लेट सपोज ने ये सारी वैल्यू दी, ठीक है, सेकंड टेस्ट केस में। अब आपको पता नहीं उसकी एरे की लेंथ नहीं देगा वो, ठीक है, लेट सपोज आपको एरे की लेंथ नहीं देगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, ये पूरा इसका जो भी ये देगा इनपुट, इसका आपको क्या करना है, इसका पूरा आपको सम करके प्रिंट करवाना है। मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइप के इनपुट आप कैसे ले सकते हैं पाइथन में, ठीक है। तो इस टाइप के इनपुट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको एडिटर पे बताता हूँ, सॉरी इस पे बता देता हूँ एडिटर पे, देखिए इस टाइप के इनपुट लेने के लिए आपको करना पड़ेगा, मेन फंक्शन की यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप लिस्ट लिख लीजिए, ठीक है, सॉरी लिस्ट, उसके बाद आप लिख लीजिए मैप, और मैप के अंदर आप कह दीजिए जोन सी भी आपको वैल्यू एंटर करवानी है, लेट सपोज हमें इंटीजर वैल्यू एंटर करवानी है, और फिर कह दीजिए आप इनपुट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्प्लिट फंक्शन का आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है पाइथन में, इनपुट डॉट स्प्लिट, ठीक है। अब आप इसको रन करके देखिए, इसको मैंने रन करके देखा और मैंने क्या दिया इनपुट में, ये दिया अभी, ठीक है, तो देखिए एग्जीक्यूट हो गया। अब मैंने लेट सपोज इसको प्रिंट करवा के बता देता हूँ मैं आपको, इसके बाद ये टास्क आप पूरा करिएगा, ठीक है, प्रिंट करवाया मैंने ए, ठीक है, और मैंने करवाया कंट्रोल वी और इंटर, देखिए ये लिस्ट में आ गए। और आप चाहें तो इसको, अगर इसका सम आप निकालना चाहें तो सम ऑफ ए भी करवा सकते हैं प्रिंट, ठीक है, ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, लेकिन बट आपको सम फंक्शन से यूज नहीं करना, आपको बिना सम के आपको इसको करके बताना है, कमेंट सेक्शन में आप इसका मेरे को आंसर बताइए, ठीक है। और अगर ये फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप इस सारे पार्ट्स में बने रहिए, आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पाइथन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा पूरी किस टाइप से होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये देखिए जो हमारा 15 आउटपुट आ चुका है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड्स, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर करिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आप चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड्स, ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड्स।